अगली खबर आ रही है सतना जिले से, जहां आदि शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सोमवार को संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मोबाइल में लोकेशन मांगा जाता है, जो कि गलत है क्योंकि अधिकांश महिलाएं पढ़ी लिखी बहुत कम है। इस दौरान SDM को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांगों का त्वरित निराकरण किए जाने की बात कही गई। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इसके पहले भी कई बार प्रदर्शन किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे आदि शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभु चरण दुबे ने कहा कि अगर सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांग पर गंभीरता नहीं बरती तो हम राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। देखिए, ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं। ये लगातार कई वर्षों से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी रही हैं। इनको मानसेवी का दर्जा प्राप्त है। ये अपने सरकारी कर्मचारी होने की मांग कर रही हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार इनको चुनाव में ड्यूटियों में लगाती है, तमाम प्रकार के इनसे कार्य कराती है, लेकिन इनको मानसेवी का दर्जा दे रखा है। तो इस बात को लेकर कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, इसी मांगों को लेकर यहाँ पे। और दूसरी बात, जो अभी एक विसंगति हुई है कि इनको मोबाइल चालू किया गया। कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं जो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती हैं, मोबाइल हैंडल नहीं कर सकती हैं, उनसे लोकेशन मांगी जाती है। ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क नहीं रहता है, अगर लोकेशन वो देंगे और अगर लोकेशन नहीं दे पाती हैं वो, तो उनकी अनुपस्थिति दिखा दी जाती है। तो ये मोबाइल की जो व्यवस्था चालू की है ये बंद होनी चाहिए, इनको किसी भी प्रकार का मोबाइल नहीं चाहिए। इस बातों को लेकर ये आज यहाँ कलेक्टर का घेराव करने हैं। क्या आश्वासन मिला है? अभी SDM साहब ने बोला कि आप अपनी लड़ाई को लड़िए, भोपाल जाइए, आप भोपाल में करिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन हम आपकी बात को भोपाल तक पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से ये गलत मांगे हैं जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। और जिस तरह 2017 की तर्ज में भोपाल में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, जिसमें सरकार हिली थी और करीब नहीं तो 1.5 लाख हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका वहाँ पर इकट्ठी हुई थी, इस लड़ाई को हम उसी तर्ज में बड़ी बनाएंगे। और इस लड़ाई में उसी 8 अप्रैल 2017 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तनख्वाह बढ़ाई गई थी, 5,000 से 10,000 की थी, मजबूर हो गई थी प्रशासन, क्योंकि चुनाव का समय था। अब हमको बाध्य होना पड़ेगा, अगर वो हमारी बातों को मानेंगे नहीं तो हम बाध्य होंगे भोपाल में आंदोलन करने के लिए। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें भीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।